वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। जैसा कि आप सबने पिछली वीडियो में देखा, पिछली संडे वाली वीडियो में देखा कि मकर संक्रांति के पीछे का रहस्य क्या है, यानी कि भारतीय नववर्ष का। अब पूरा भारत 13 और 14 तारीख को नववर्ष मनाएगा। अब जानते हैं इसके पीछे भी क्या क्या कहानियाँ हैं। तो सबसे पहले मैं छोटी मोटी कहानियों से शुरू करूँगी और फिर जो मेन कहानी है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहली जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है श्री राम और हनुमान जी की। हनुमान जी के बाल कांड में लिखा हुआ है, राम एक दिन चंग उराई इंद्रलोक में पहुँची जाई। बड़ा ही रोमांचक प्रसंग है, कभी पढ़ के देखिएगा। पंपापुर से हनुमान जी को बुलाया गया था। उस दिन ही मकर संक्रांति थी, इसीलिए आज यानी कि मकर संक्रांति पे भारत के कई प्रांतों में पतंग उड़ाई जाती है। अब बात करते हैं दूसरे प्रसंग की। माँ यशोदा ने इसी दिन श्री कृष्ण यानी कि अपने संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखा था, इसीलिए मकर संक्रांति के दिन महिलाएं एक दूसरे के घर तिल गुड़ जैसी चीज़ें लेके जाती हैं। अब बात करते हैं तीसरी कथा की। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा भागीरथ का पीछा करते करते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची थी। धरती पर जब गंगा मैया अवतरित हुई तो भागीरथ ने अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए गंगा का पावन जल का प्रयोग किया था, इसीलिए शायद मकर संक्रांति के दिन कई लोग गंगा के जल से स्नान करते हैं। चलते हैं दूसरी कथा की ओर। जैसा कि मैंने आप सबको पिछली वीडियो में बताया था उत्तरायण के बारे में, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को तीर मारकर उनको मृत्युशैया पर लिटा दिया था, तो आप सबको पता ही है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो उन्होंने ये इच्छा करी कि मुझे मकर संक्रांति के दिन पर ही जाने धरती से त्याग कर अपना प्रस्थान करने दिया जाए, यानी कि हेवनली अबोर्ड के लिए जाने दिया जाए। तो उनको पता था कि अगर वो मकर संक्रांति के दिन गुजरेंगे तो उनको दोबारा ये धरती का जो जीवन चक्र है जन्म और मृत्यु का, उससे गुजरना नहीं पड़ेगा। अब बढ़ते हैं मकर संक्रांति की सबसे प्रमुख कथा की ओर, जो कि सूर्यदेव और शनिदेव की है। कहा जाता है कि सूर्यदेव की जो पत्नी थी संज्ञा, अब उनका स्वभाव बड़ा निर्मल था तो वो सूर्यदेव का ताप नहीं सहक पाती थी। तो वही कि उन्होंने एक वरदान मांगने के लिए वो अपने घर से निकल के गई थी सूर्यदेव को छोड़ के, और अपनी छाया का स्वरूप छोड़ के चली गई थी कि किसी को पता ना लगे। अब संज्ञा के 3 पुत्र थे, उनमें से एक थे यमराज। अब जब छाया ने उनकी जगह ली तो छाया के भी 3 पुत्र हो गए, उनमें से एक थे शनि। तो अब कथा ये है कि शनिदेव, जैसा कि आप सबको पता है, रंग से काले थे। अब सूर्यदेव को वो भाता नहीं था क्योंकि सूर्यदेव थे तेजस्वी, उनका रंग बहुत अच्छा था। अब शनिदेव को वो अपने पुत्र के तरह स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे, तो उन दोनों में भी कभी बनती नहीं थी। ऐसा ही चलता गया और एक दिन सूर्यदेव जब शनिदेव और छाया का जो घर था कुंभ में था, तो कुंभ को जला देते हैं। उसके बाद यमराज तप करते हैं, यमराज जी मनाते हैं सूर्यदेव को। सूर्यदेव जब मान जाते हैं तो वो दोबारा जाते हैं किसके पास, छाया और शनिदेव के पास माफ़ी मांगने। उस समय सूर्यदेव मकर राशि में जाते हैं, मकर राशि यानी कि उनका घर मकर में था शनिदेव और छाया का, वहाँ जाते हैं, इसीलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है और शायद इसीलिए कुंभ का मेला भी लगता है। इसी के साथ आज का ये व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है। धन्यवाद।